राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सुंदरनगर में संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि चंपा ठाकुर ने अपने संबोधन में पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि अधिकारी फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, जनता सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। ग्राम सभाओं में अधिकारी जाने व सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला पंचायती राज में इस संगठन के बलबूते पर ही आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि संगठन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के पंचायतों में जाकर जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, BDC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबरों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इस कार्य को पंचायती राज संगठन के जिला समन्वयक व ब्लॉक समन्वयक अमलीजामा पहनाएंगे। उन्होंने कहा कि संवाद से स्वराज की ओर पंचायतों की सुदृढ़ीकरण और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है और पंचायतों में जिला और ब्लॉकों के समन्वयक 15-15 पंचायतों में भ्रमण करेंगे और जो लोगों की ओर से डिमांड आएगी उसे लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधियों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं के बीच कृषि भूमि, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, समाज की वाणिक फार्म, लघु वन उपज, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवासन परियोजना, ईंधन और चारा समेत 29 मुद्दों को अनुच्छेद 223(6), 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 4 के तहत लागू करने की पैरवी भी करेगी और इन मुद्दों को जागरूकता के साथ फैलाएगी भी। राजीव गांधी कि हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग थी, इसमें हमने 2 अक्टूबर में जो हमारा पंचायती राज की जो है ग्राम सभा पूरे प्रदेश में होगी, इसमें हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमने अधिकतर पंचायतों को कवर करना है और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना है और किस तरह से पंचायती राज स्ट्रांग होगा, किस तरह से हमारे को आगे चलना है, तो उस तरह से उनके भी हम कमेंट्स भी लेंगे, लिखेंगे कि आगे भी भेजेंगे कि कौन कौन सी अभी कमजोरियां पंचायती राज में रह गई है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों से भी पूछेंगे, उनके भी बयान हम लिखेंगे कि पंचायती राज में आपको क्या गलत लग रहा है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज जो हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं पंचायती राज, इसके लिए मैं आज राजीव गांधी जी को याद करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। और ये राजीव गांधी का ड्रीम था कि महिलाओं को पंचायती राज में आगे लाना है और हम आज जो हमें टिकट मिला इसके लिए भी हम राजीव गांधी के धन्यवादी है। आज मैं तीसरी बार पंचायती राज में कंटिन्यू आ रही हूँ तो आज मुझे टिकट मिला ये भी पंचायती राज की वजह से मिला क्योंकि पंचायती राज में मैंने 15 साल से काम कर रही हूँ।